बाहुबली अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के ऊपर करेली थाना में फर्जी मुकदमा पंजीकृत हुआ है। इसी मुकदमे को लेकर AIIM पार्टी के पदाधिकारियों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लगातार AIIM पार्टी को रोकने के लिए फर्जी मुकदमा लदवा रही, जिससे उनकी जो चुनाव में प्रचार प्रसार है वो थम सके। ओवैसी साहब के लगातार रैलियों को उमड़ रहे जनसैलाब से घबराई भारतीय जनता पार्टी यह मुकदमा की जो चाल सजा रही है, इसको लेकर AIIM पार्टी के सभी कार्यकर्ता मजबूती के साथ न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। भाजपा सरकार से पार्टी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है, कितना भी मुकदमा लाद ले, लेकिन पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ लड़ेगी। ओवैसी साहब के कार्यकर्ताओं भाजपा से डरने वाले नहीं हैं। अतीक अहमद के बेटे के ऊपर फर्जी मुकदमा लाद कर भाजपा कहीं ना कहीं अली अहमद को रोकना चाहती है, जिससे उनकी जो चुनाव प्रचार की प्रक्रिया है उसमें बाधा हो सके। कहां से होगी ये बताइए। इसमें आपने लिखा है कि इमरान माफिया है, आज समझ में आ रहा है कि उनका साड़ू माफिया है? नहीं नहीं, अभी तक नहीं समझ में आ रहा था। नहीं, अभी तक नहीं आ रहा नहीं। जब अली की जानकारी में आया कि ये उनके नाम पे साड़ू, उनके जो छोटे भाई है वहाँ पूरे उसको बुलडोजर ले जाके जो प्लाटें उनकी नहीं थी उसको भी मिला रहे थे, तो ये विरोध करने वहां गए थे। लेकिन कहानी को चूंकि सरकार का दबाव है, तो सरकार के दबाव में हमारे, अभी हमने आपसे कहा कि हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को 5 साल में इतना उत्पीड़न हुआ है कि उसकी हद हो गई है। इसी बात इन्होंने तो पार्टी हमारे सुप्रीमो ने कहा कि इनकी इनके परिवार को जहां से ये चाहेंगे, 1 सीट 2 सीट 3 सीट हम इनको लड़ाएंगे, मजबूती से लड़ाएंगे पूरी पार्टी हमारी। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब ने भी जब आप आए थे यहाँ पे पिछले कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने भी कहा था कि उनका परिवार जहां से चाहेगा हमारे सुप्रीमो उनको तैयार है लड़ाने। अब उनके परिवार पे डिपेंड करता है कि पश्चिमी लड़ेंगे कि मेरठ लड़ेंगे कि कैंट लड़ेंगे। जब बुलडोजर चलता है या कुछ कार्रवाई जैसे आप बता रहे हैं, तब तो ऋचा सिंह और सपा उनके ऊपर पूरी कार्रवाई करते हो। राजा भैया के ऊपर तो आप इतने मुकदमे हैं, उनके साथ आप पुस्तक का विमोचन लखनऊ में करते हो। क्या यह गुनाह है कि अतीक अहमद मेरा नाम हो, मेरा नाम आरिफ इकबाल हो? क्या यही सबका साथ सबका विकास है मोदी जी का? कि नाम के हिसाब से आपका विकास हो रहा है, उनके घरों पे बुलडोजर। अभी का आपने पेपर लिख हुआ TET में, हम उनके बुलडोजर चलाएंगे। आज 1.5 महीना में उनके घरों पर आपने क्यों नहीं बुलडोजर चलाया? ये लोगों ने अटाला में प्रोग्राम किया, ये जो जितनी सेकुलर पार्टियां थी उनके पेट में दर्द शुरू हो गया और कहा कि 100 की परमिशन थी तो हमारे ऊपर सबके ऊपर FIR दर्ज हुई। लेकिन वहीं अखिलेश यादव KP ग्राउंड में कुछ ठीक एक हफ्ते बाद आए, अखिलेश यादव की रैली में कोई FIR नहीं होती। मैंने मीडिया में उसको कहा भी, हम लोगों ने कहा कि उनके ऊपर क्यों FIR हुई? अगर हमारे ऊपर कोरोना लागू होता है 100 से ज्यादा, तो वहां भी तो किसान पटेल यात्रा निकाल रहे थे, उनके ऊपर कोई FIR नहीं। और अभी जो परसों की घटना थी, चूंकि वो एक्टिव थे पूरे उत्तर प्रदेश में, मेरठ में, सहारनपुर, हमारी रैलियों से बौखला कर पूरे ये, अब तो भारतीय जनता पार्टी को भी इतना खतरा महसूस होने लगा है कि सत्ता की चाबी MIM के हाथ में आने वाली है, तो हमारे हर कार्यकर्ता को छोटे बड़े को टारगेट करते हैं। और अभी योगी जी का बयान है पेपर लीक में कि हम उनके ऊपर बुलडोजर चला देंगे, तो आप बताइए मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद ही अगर माफिया है तो धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह MLC, तो तमाम लोग उनके घरों पर बुलडोजर कब चला? जनता के मन में ये भी तो सवाल उठ रहा है।